भाई कुछ गर्ल्स अपने ड्रेसेस पे नई से नई डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि ऑर्गेंजा टिशू आज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आजकल जितनी भी डिज़ाइनिंग की जा रही है अच्छे से अच्छी डिज़ाइनिंग टिशू ऑर्गेंजा से की जाती है, और ये डिज़ाइन आपके 50 रुपीज़ में बन जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेंजा अगर आप उसकी कटिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो 100 या 50 रुपीज़ में भी आपका ये डिज़ाइन बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ईद उल अज़हा के लिए आज बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन है ऑर्गेंजा, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैब्रिक्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है, लेकिन ऑर्गेंजा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। बहुत सारी लड़कियाँ भाई इसको बहुत ज़्यादा अपने ड्रेसेस में इस्तेमाल कर रही हैं, और इनके ऊपर थ्रेड का भी यूज़ किया जाता है, पल्स का भी यूज़ किया जाता है, और इसके साथ साथ ऑर्गेंजा के ऊपर लेसिस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। इसके साथ साथ गोटी भी बहुत अच्छी लगती है। गोटी से भी आप देख रहे हैं ऑर्गेंजा के ऊपर कितनी खूबसूरती के साथ डिज़ाइनिंग की गई है। पल्स का इस्तेमाल भी बहुत खूबसूरती के साथ किया जाता है। थ्रेड से बहुत अच्छे अच्छे से डिज़ाइन बनाए जाते हैं। पिनटेक्स का बहुत खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया जाता है, बहुत अच्छे अच्छे से डिज़ाइन बनाए जाते हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह लेसिस का इस्तेमाल भी कितनी खूबसूरती के साथ किया गया है। ऑर्गेंजा ना सिर्फ स्लीव के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इससे दामन और नेकलाइन भी बहुत खूबसूरत बनती हैं। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। मेरा मशवरा यही है कि आप मार्केट से ऑर्गेंजा लेके आएँ और अच्छी सी डिज़ाइनिंग अपने ड्रेसेस के ऊपर करें। ये वो ड्रेसेस होते हैं जो कि आप ईद के अलावा भी बहुत सारे फंक्शन में पहन सकते हैं, क्योंकि आपके ड्रेसेस की लुक बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये डिज़ाइनिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जो डिज़ाइन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको कॉपी ज़रूर कीजिएगा। तो ना सिर्फ आप खुद इनको कॉपी करें, बल्कि अपनी फ्रेंड्स अपनी सिस्टर के साथ भी इनको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा भी मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, आप प्लीज़ मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। आपको इनके अलावा ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी मिलेगी, मेहंदी के डिज़ाइन बहुत अच्छे मिलेंगे, हेयर स्टाइल के डिज़ाइन आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, जो कि आपकी ईद की तैयारी में बहुत हेल्पफुल होंगे। ऐसे डिज़ाइन शेयर करने का मकसद ये होता है कि आपकी ईद की तैयारी, आपके फंक्शन की तैयारी आपके लिए ईजी हो जाए, क्योंकि जब आप शॉपिंग करते हैं तो मेन चीज़ होती है आपके ड्रेस की डिज़ाइनिंग। तो भाई लड़कियां तो ईद हो या कोई और फंक्शन हो तो अपने ड्रेस को तो बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, इसके लिए बहुत सारी वीडियो सर्च की जाती हैं और बहुत अच्छे अच्छे से डिज़ाइन के लिए बहुत सारा टाइम लगाया जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि अपनी एक ही वीडियो में आपके साथ बहुत सारे आइडियाज़ शेयर किए जाएँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।